रतलाम जिले के नामली नगर और नामली के आसपास मंदिरों में चोरियों की वारदातों को लेकर नामली थाने पर थाना प्रभारी किशोर पाटनवाला ने क्षेत्र और नगर के पुजारियों की बैठक रखी, जिसमें नामली थाना अंतर्गत सभी मंदिरों के पुजारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। मंदिरों के पुजारियों से थाना प्रभारी ने मंदिरों में बढ़ती चोरियों को लेकर कहा कि हर गांव की स्थानीय मंदिर समिति बनाई जावे, जिसमें मंदिरों में हो रही चोरियों की वारदात में कमी आएगी। साथ ही थाना प्रभारी ने कहा कि मंदिर समितियां बनाने के बाद थाना अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों को लेकर समितियों का बैंक खाता खुलवाना भी बहुत जरूरी है, जिससे दान पात्रों में मंदिरों पर चढ़ाया गया दान मंदिरों के खाते में जमा होता रहे और कम से कम एक सप्ताह भर दान पात्रों को खोला जाए, मंदिरों के खातों में दान पात्रों में दान की राशि जमा हो सके, जिससे मंदिरों का दान का रुपया बैंकों में सुरक्षित रहे। साथ ही थाना प्रभारी ने थाना अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के मंदिरों का निरीक्षण कर मंदिरों की समितियां बनाने में बैंक खाता खुलवाने पर अपना निर्णय लिया है। रतलाम से संवाददाता की रिपोर्ट। अभी विगत दिनों देखा जा रहा है कि नामली एवं आसपास में कहीं पर मंदिर जो है असामाजिक तत्वों के निशाने पर आ रहे हैं, कुछ घटनाएं चोरी टाइप की हो रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने आसपास के और जो हमारे थाना क्षेत्र के पुजारी थे उनको आज बुलवाया था और उन्हीं से हमने सिक्योरिटी प्लान के बारे में चर्चा की। इस संबंध में ये सुझाव भी आए कि एक गांव की समिति जो होती है उसमें मंदिर समिति जो होती है उसके माध्यम से एक सिक्योरिटी प्लान बनाया जाए और उसी के माध्यम से गश्त भी करवाई जाए। इसी संबंध में मैंने सभी को बताया भी कि मैं दो तीन दिन में आसपास के जितने मंदिर हैं सभी की समितियों से चर्चा करूँगा, आप लोग भी अपनी समिति बना लें और जैसी समिति कार्य रूप में परिणित होती है तो डेफिनेटली घटनाएं रुकने में सहायता मिलेगी।